हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है ओला S1 Pro से। दोस्तों, पहली बार हम वॉश कर रहे हैं अपनी ओला S1 Pro को और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा हम किस तरीके से ओला S1 Pro को वॉश कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं इसकी वॉशिंग के दौरान। तो चलिए चलते हैं, इसे हम वॉश करते हैं। ये आप देख सकते हैं ओला S1 Pro कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है और जैसा मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट टाइम मैं वॉश कर रहा हूँ और कुछ सावधानी हमको बरतने की ज़रूरत है। जब भी आप इसे वॉश करना चाहें तो कभी भी हाई प्रेशर से वॉश ना करें। उसके लिए आप पानी का फुवारा यूज़ कर सकते हैं या वाटर स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं। मैं हाई प्रेशर वॉशिंग इसलिए आप सभी लोगों को मना कर रहा हूँ क्योंकि हाई प्रेशर वॉशिंग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ख़राब कर सकती है। वैसे तो इस ओला के साथ कोई भी मैनुअल नहीं आई है, लेकिन अगर मैनुअल आती तो 100% उसके अंदर लिखा रहता कि आप इस ओला S1 Pro को हाई प्रेशर वॉशिंग में ना धोए। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि किस तरीके से हम धो सकते हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैं लो प्रेशर वॉशिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से भी साफ हो पा रहा है। दोस्तों, लो प्रेशर वॉशिंग इसलिए कहा जा रहा है बार बार क्योंकि इस ओला S1 Pro में हर एक जगह सेंसर्स हैं, चाहे वो डिस्क ब्रेक पर सेंसर हो, चाहे स्पीड मेजर करने वाला सेंसर हो, स्टैंड पर सेंसर हो, या सीट को ओपन और क्लोज करने वाला सेंसर हो, तो सारे सेंसर खराब हो सकते हैं अगर आप हाई प्रेशर वॉशिंग करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लो प्रेशर वॉशिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा डिटर्जेंट यूज़ ना करें जो उसकी पेंट को नुकसान पहुँचाए। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप पानी से उसे साफ कर लें और उसके बाद 3M माइक्रोफाइबर क्लोथ से इसको एक बार पोंछ ले और उसके बाद फिर दोबारा आप इसे पानी से साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी ओला S1 Pro को पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट बिल्कुल पानी ना डाले स्पीकर्स पर। वैसे तो कंपनी कहती है पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आज तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कंपनी बनाती है पूरी तरीके से वाटरप्रूफ नहीं हुआ है। तो अगर आप डायरेक्ट स्पीकर पे डालोगे पानी तो मे बी हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी पानी अगर उसकी डाइफॉर्म पे चला गया तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा कर सकता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पूरी तरीके से 100% वाटरप्रूफ अपने सामान को नहीं बनाती है, तो बिल्कुल इग्नोर करें डायरेक्ट वाटर को डालने से। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फ्रंट पे किस तरीके से वाटर मैं डाल रहा हूँ। मैंने स्क्रीन पर भी पूरी तरीके से पानी नहीं डाला है, सिर्फ इतना पानी डाला है कि वो ऊपर की मिट्टी को पूरी तरीके से साफ कर दे। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से मैं अपनी ओला S1 Pro को वॉश कर रहा हूँ। और दोस्तों, एक खास बात और बताता हूँ, कई सारे यूट्यूबर्स ने बताया था कि इसकी सीट को ओपन करके उसको अंदर से हम पानी से धो सकते हैं। तो भाई, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा सीट खोल के कभी भी उसके अंदर पानी ना डालें। पहली बात तो उसके अंदर डस्ट और गंदगी जाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी डस्ट और गंदगी चली जाती है तो आप गीले कपड़े से अंदर वाले हिस्से को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी पानी सीट खोलने के बाद अंदर ना डालें, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से डिस्प्ले पर पानी डाल रहा हूँ, ये प्रॉपर वे है, ये आपको मैं बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो KTM है या पैनेले है, वो साफ लिखते हैं कि हाई प्रेशर वॉशिंग ना करें। उनकी भी गाड़ियां पूरी वाटरप्रूफ होती हैं, लेकिन फिर भी वो मेंशन करके रखते हैं लो प्रेशर वॉशिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप यहां पर देख सकते हैं ये इस टाइम मैं जो साफ कर रहा हूं, ये कहलाता है 3M माइक्रोफाइबर क्लोथ। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जरा सा भी स्क्रैच नहीं डालता है किसी भी व्हीकल के पेंट पर। और अगर आप ये 3M माइक्रोफाइबर क्लोथ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बाय लिंक भी दूंगा, जहां जाकर आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ओला S1 Pro को आप अच्छी तरीके से धो सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए जैसे डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, या डिस्क ब्रेक सेंसर हो गया, या स्टैंड सेंसर हो गया, उस पर डायरेक्ट पानी ना डालें, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ओला S1 Pro सबकी फेवरेट इलेक्ट्रिक स्कूटर बन चुका है। स्पीड इसकी बड़ी ज़बरदस्त है जो 120 किलोमीटर पर आवर तक भाग सकती है। बस अब सबको इंतजार है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 का। सारे लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 का इंतजार कर रहे हैं, अभी तो वो टेस्टिंग फेस में है। कई सारे जो ओला कस्टमर्स हैं उनको पहले ही मिल चुका है, वो उसका बीटा वर्जन को टेस्ट कर रहे हैं। उनकी टेस्टिंग के बाद ये ओला S1 Pro का जो ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 हम सब लोगों के लिए रिलीज होगा। के अंदर तरह तरह के फंक्शंस आपको मिलेंगे, चाहे वो नेविगेशन है, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम है, या क्रूज कंट्रोल है, या कॉलिंग फीचर्स हैं, वो सब आने वाले टाइम में हम देखेंगे।
क्योंकि हम भी चाहते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 को यूज करना। इवन अभी कुछ टाइम पहले मुझको पता लगा है कि आप यूट्यूब भी चला सकते हैं, लेकिन वो अभी सब हिडन कर रखा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी उसे रिलीज करे कुछ चार्जेस देकर। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ओला S1 Pro सबकी फेवरेट है, बस सर्विस में ये मात खा रही है, क्योंकि जब तक लोकल सर्विस सेंटर नहीं खुलेंगे तब तक कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखते हैं ओला आने वाले टाइम में हर एक सिटी में अपना सर्विस सेंटर खोलती है या नहीं खोलती है। और आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी ओला इलेक्ट्रिक S1 Pro साफ हो चुकी है। यहाँ पर जो मैंने साफ करा है, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये है 3M का माइक्रोफाइबर क्लोथ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसी तरीके का माइक्रोफाइबर क्लोथ का यूज करें, जिससे कि आपकी ओला S1 Pro के पेंट पर कोई भी स्क्रेचेस ना आए। और दोस्तों जैसे हम इसे यूज कर चुके हैं, अब हम दोबारे वॉश कर सकते हैं पानी के साथ, या मैं दोबारे लो प्रेशर वॉशिंग कर रहा हूं, जिससे कि जो रिमेनिंग रेजिड्यूज या डर्ट या डस्ट है वो यहां पर साफ हो जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका मनु भारद्वाज अब आपसे विदा चाहता है, हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।